हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम कुछ साइंस टर्म डिस्कस करेंगे। ये है एक न्यू स्पीसीज का जिसको डिस्कवर किया गया है रिसेंटली। इसका नाम रखा गया कायहैतशुका सचिकेरम। ये क्या है स्पीसीज की, क्या विशेषता है, ये यूपीएससी में तो पूछ ही लिया जाता है, वन डे एग्जाम में भी ये इजीली नाम पूछ लिया जाता है ये किस स्पीसीज का है, क्योंकि नई स्पीसीज डिस्कवर होती हैं, कुछ नई नेमिंग होती है तो उनसे पूछे जाते हैं, साइंस के टर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोज की PDF मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो एक इंटरनेशनल टीम रिसर्चर्स की थी जिसने डिस्कवर की एक न्यू रेप्टाइल, मरीन रेप्टाइल, ठीक है, जो एक वेल जैसी, देखिए ये आप देख सकते हो इस तरह की एक न्यू मरीन रेप्टाइल है। ये एक्सटेंट स्पीसीज है, ये इस तरह की अभी स्पीसीज है नहीं, इसका फॉसिल मिला था सेंट्रल कोलंबिया में, ठीक है। तो जो ये फॉसिल है, जो स्कल है, उस स्कल से एक डमी टाइप का बना दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, कायहैतशुका सचिकेरम, ठीक है। ये एक्सटेंट स्पीसीज है, अभी नहीं है ये, ठीक है। अगर आप इसको फिजिकली इस स्पीसीज को देखने जाएं तो ये आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये पाई जाती थी पहले, अब खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसका फॉसिल कहाँ पे मिला है, सेंट्रल कोलंबिया में, ठीक है। अब जो इसका नाम रखा गया है कायहैतशुका सचिकेरम, ये क्यों रखा गया है, किस लैंग्वेज का नेम है, तो अर्लियर साइंटिस्ट को ऐसा बिलीव था कि जो स्पीसीज है ये प्लेटपटर्जियस जीनस की है, इस जीन्स को बिलोंग करती है। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये तो एक डिफरेंट स्पीसीज है। अब डिफरेंट है तो इसका नाम रखा होना चाहिए, तो इसका नाम रखा गया कायहैतशुका सचिकेरम। ये जो कायहैतशुका वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द वन दैट कट्स विथ समथिंग शार्प, मतलब कि कोई ऐसा, कोई पर्सन या कोई ऐसी चीज जो एक बहुत शार्प चीज से कट करती है। तो ये किस चीज से कट करती है, तो इसके जो टीथ है ना वो बहुत ही शार्प है, ये टीथ ही इसकी विशेषता है। इसकी जैसे होता है ना कि किसी किसी के टीथ बहुत दूर दूर फार फार होते हैं, तो दैट आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो इस तरह से इसके भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीथ है जिसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी किस तरह के हैं। तो ये जो वर्ड है कायहैतशुका, ये बिलोंग करता है एक इंडिजीनियस लैंग्वेज से जो कि सेंट्रल कोलंबिया के लोग बोलते हैं। ये लैंग्वेज कौन सी है, माइस क्यूबन ये लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज कौन बोलता है, जो म्यूसिका यहाँ के लोग हैं, म्यूसिका कल्चर को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग बोलते हैं। और ये जो स्पीसीज है वो इन्हीं जगह पे मिली है सेंट्रल कोलंबिया में, तो इन लोगों को ऑनर देने के लिए इस इन लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज में इसको नाम दे दिया गया है, ठीक है, माइस क्यूबन, ठीक है, ये लैंग्वेज है और कायहैतशुका नेम दिया है, क्लियर है, ठीक है। अब म्यूस्का क्या है और कहाँ रहते हैं, तो सेंट्रल कोलंबिया में जो लोग रहते थे, म्यूस्का को चिबचा भी बोला जाता है, और स्पेनिश ने 1537 में इन पर आक्रमण किया और फिर उनको कॉन्कर कर लिया गया था। और मेनली ये कृषि करने वाले लोग होते हैं और ये सॉल्ट भी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सी, ठीक है। तो ये रहते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हो म्यूस्का यहाँ पर, ठीक है, तो कोलंबिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। और 1535 से पहले ये लोग रहते थे, उसके बाद स्पेनिश ने इसको कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, ओके। अब फीचर्स क्या है इसके, तो देखिए ये एक मिड साइज्ड ऑप्थेलेमोसोरियन है। ऑप्थेलेमोसोरियन क्या होते हैं, ये जुरासिक पीरियड के टाइम पर पाए जाते थे, इस तरह की एक बड़ी सी व्हेल टाइप की होती है, ठीक है। ऑप्थेलेमोसोरस जो होते हैं वो जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, जब डायनासोर की हम बात करते हैं, ठीक है, ऑप्थेलेमोसोरियन ही है ये एक मिड साइज का, ओके। ये इनकी एक लार्ज साइज की आई होती है और डॉल्फिन शेप की बॉडी होती है, डॉल्फिन जैसे होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज साइज आई होती है इनकी। और इनका जो जॉ होता है उसमें बहुत रोबस्ट टीथ होते हैं, मतलब बहुत सारे टीथ होते हैं, ठीक है, और बहुत ही कड़क और तेज होते हैं ये टीथ, ठीक है, बहुत सारे टीथ होते हैं। अब इनमें बहुत सारे सेवरल अडेप्टेशन हुए हैं, दिनों दिन बहुत सारे अडेप्टेशन होते रहते हैं, जैसे कि हम
बंदर थे, बंदर से फिर इंसान बने, इंसान में से हमारी पूंछ गायब हो गई, तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे एडेप्टेशंस हुए हैं। इट वॉज मैक्रो, ये जो है ये खाने वाली, मतलब कि जो बैकबोन वाले जानवर होते थे उनको ये खाती थी, ठीक है। प्रेडेटरी वर्टिब्रेट हंटर था ये, इट हंटेड लार्ज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन होती है, और इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जो जिन ऑर्गेनिज्म में बैकबोन नहीं होती, तो इन लगा देते हैं। वर्टिब्रेट्स बैकबोन वाले जानवर, और ये वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह की, ये जो स्पीसीज है किस तरह की होती थी? तो बैकबोन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते थे उनको ये खाती थी, ठीक है। और ये ऐसा कर क्यों पाती थी? कि उसके टीथ बहुत मजबूत होते थे। ये जो स्पीसीज है वो मोस्टली शेलो वाटर में पाई जाती थी। अब इनकी टीथ आप इस तरह से देख सकते हो, ये इसका स्कल है, उसमें आप टीथ देख सकते हो। इसका जो डेंट्री है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ स्पीसीज, 720 mm का है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ स्पीसीज 720 mm, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो इसका डेंटेशन है, मोस्ट यूनिक फीचर है इस स्पीसीज का, जो मैंने आपको बताया, मतलब इसकी टीथ जो है वो मोस्ट यूनिक फीचर है। टीथ जो है वो कंटिन्यूस ग्रुप्स इस तरह से रखे गए हैं, देखिए आप देख सकते हो, और ये पीछे की तरह थोड़े से झुके हुए हैं, ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड है पीछे की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे की तरफ। और वेव लाइक पैटर्न है इसमें, अल्टरनेटिंग वेव लाइक पैटर्न यहाँ पे दिखता है। ये आप देखिए, ये इस तरह से, ये आपको अंदर की साइड दिखेगा, ये बाहर की साइड, फिर ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, इस तरह से, ठीक है। तो और ये पीछे की तरफ झुके हुए हैं, तो इस तरह की इनके टीथ हैं, और जिससे कि ये बहुत ही आसानी से जो स्कल, जो बोन वाले जानवर होते हैं उनको भी ये खा लेती हैं, बड़े बड़े जानवर को भी ये खा लेती हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता थी जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।